हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अयूबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है LIC की, जो आपकी फुल फॉर्म में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। आपकी वैकेंसी असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए निकाली गई है। अगर बात की जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की, तो आपकी वैकेंसी बहुत ही अच्छे पदों पर निकाली गई है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑनलाइन डेट से लेकर जॉब लोकेशन तक कम्प्लीटली बताऊंगी, जैसे कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस इसमें आपकी क्या रखी गई है, लास्ट डेट फीस पेमेंट की क्या है, और आपकी एज कब से कैलकुलेट होगी, जिसमें आपकी मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज क्या रखी गई है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, और इसमें पे स्केल यानी इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, विद इसके साथ मैं आपको इसका सिलेबस भी बताऊंगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये वैकेंसी आपकी ऑल ऑफ इंडिया रहने वाली है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल वैकेंसी जो इसमें आपकी है 90 है। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, जहां पर वैकेंसियों की संख्या कम होती है ऐसी नहीं वो वैकेंसी अच्छी ना हो, इसमें आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत ही अच्छी है। और ये वैकेंसी आपकी इसमें आपके पोस्ट नेम यानी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकाली गई है, तो आपके असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। आपके फॉर्म यानी आपकी आवेदन प्रक्रिया है जो 4 अगस्त 2022 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। आपके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो आपके फॉर्म जो है 25 अगस्त 2022 तक भरे जाएंगे, और आपकी जो लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी 25 अगस्त 2022, और जो आपकी एग्जाम डेट है तो आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर 2022 तक होगा, यानी आपके एग्जाम बहुत ही जल्दी होंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इस एग्जाम के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है आपकी वो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के 800 रुपये फीस रखी गई है, चाहे वो जनरल हो, OBC, EWS, SC और ST&PA जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट की एक ही फीस रखी गई है 800 रुपये। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी जो मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। और इस चीज को एज में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी DOB किसके बीच में होनी चाहिए, तो आपकी 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2001 के बीच में आपकी DOB यानी आपका बर्थ होना चाहिए। इसे अच्छे से समझ लिया, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया है आपकी एज कब से कैलकुलेट होगी 1 जनवरी से, जिसमें आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज 21 से 28 एंड DOB जो आपकी 1994 से 2001 के बीच में होनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए। अब इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन, अगर जो आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। पे स्केल यानी इसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो इसमें आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जो आपकी है 80,000 से लेकर 1,00,000 तक आपकी सैलरी जाएगी, और असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो आपकी सैलरी है 22,000 से 52,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, जो आपके लिए हर मंथ का अमाउंट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में, मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आपके मार्क्स और समय कितना आपको दिया जाएगा। तो जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, और 50 क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। समय आपको मिलेगा 35 मिनट का। फिर आपका है लैंग्वेज रीजनिंग, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, 50 मार्क्स के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समय आपको मिलेगा 35 मिनट का। फिर आपका है जनरल अवेयरनेस, में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, 50 मार्क्स के अंदर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समय आपको मिलेगा 15 मिनट का। अब इसमें आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो आपने यहां पर आपकी दो पोस्ट है असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर, अगर जो आपने असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो है यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी अगर जो आपने असिस्टेंट पोस्ट से अप्लाई किया है तो इसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर जो आपने असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके क्वांटिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही होंगे, इसमें आपको 35 मिनट का समय मिलेगा। टोटल जो आपके क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के अंदर, यानी हर एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहने वाला है। समय आपको 120 यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। निगेटिव मार्केटिंग जो इसमें आपकी रहने वाली है वो है 0.25। ऑनलाइन यानी अप्लाई मोड जो आपका है वो ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ये फॉर्म जो आपके हैं वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और किसी माध्यम से नहीं। जॉब लोकेशन जो है वो ऑल ऑफ इंडिया रहने वाली, यानी आप मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी से अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग क्यों ना करते हो। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। जय हिंद।